विष्णु खरे साहब की एक कविता से शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है डरो। डरो, कहो तो डरो कि हाँ यह क्यों कह दिया, ना कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो, सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, ना सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था, देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह ना हो, ना देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे, सोचो तो डरो कि वह चेहरे पर झलक ना आया, ना सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ दे ना दे, पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, ना पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे आजकल क्या पढ़ते, लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब लग सकते हैं, ना लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखाई जाएगी, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, ना डरो तो डरो कि हुकुम होगा कि डर। ये कविता विष्णु खरे साहब ने 1976 साल में लिखी थी, और ये कविता चाहते ना चाहते भी रघुवीर सहाय की एक कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो की याद दिलाती है। उसमें भी एक ऐसा ही नैरेटिव है कि हंसो, ऐसे हंसोगे तो ये होगा, ऐसे हंसोगे तो वो होगा, नहीं हंसोगे ऐसे पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। तो विष्णु खरे साहब को समझने के लिए, या वो जिस पॉलिटिकल और जिस साहित्यिक कॉन्टेक्स्ट में आए उसको समझने के लिए रघुवीर सहाय साहब की कविताओं को भी समझना जरूरी है। रघुवीर सहाय को हिंदी में गद्य कविता का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठतम कवि माना गया है, और गद्य कविता की परंपरा में जो दो और बड़े कवियों के नाम गिने जाते हैं वो है विष्णु खरे और मंगलेश डबराल। गद्य कविता क्या है? गद्य कविता अगर रघुवीर सहाय के ही शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था, कहानी में कविता कहना विष्णु खरे की सबसे बड़ी शक्ति है। ये दिनमान जो एक पत्रिका निकलती थी, आगे निकालते थे, उसमें उन्होंने विष्णु खरे साहब की एक किताब के इसमें के बारे में लिखते हुए रघुवीर सहाय ने लिखा था। 80 के दशक की का एक किस्सा है कि नंदकिशोर नवल जी ने इस पर लिखा है कि 80 के दशक में रघुवीर सहाय पटना आए हुए थे, और ये लोग उनसे पूछ रहे थे कि अभी जो युवा कवि हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं इनमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? तो रघुवीर सहाय ने बिल्कुल पलक झपकाए बिना विष्णु खरे का नाम लिया था। तो ये 70-80 के दशक का नाम है विष्णु खरे, जो अभी तक हमारे बीच रहे और लगातार अपनी महान कविताओं से हमें सींचते रहे। गद्य कविता क्या है? गद्य कविता की एक ऐसी शैली है जिसमें जटिल बिंबों का प्रयोग कम होता है, या रूपक और उपमाओं का, यानी सिमिलीज और मेटाफर्स का प्रयोग कम होता है, और जो बातें हम अमूमन गद्य में लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी चीज़ का मैनुअल, कोई एल्गोरिदम जैसी चीज़, कोई योजना जैसी चीज़ें, घोषणा जैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों को कविता के की स्टाइल में लिखने की जो एक परंपरा चली थी, जिसे रघुवीर सहाय ने बहुत ही ऊंचाई पर ले गए थे, और इसके साथ जो अलग अलग तरह के प्रयोग हुए वो विष्णु खरे साहब ने बहुत ज़्यादा किया। तो यानी ऐसे इंस्ट्रक्शन, एल्गोरिदम जैसी चीज़ों को अगर कविता के स्टाइल में लिखा जाए तो ये गद्य कविता है। यहाँ पे मैं एक और विष्णु खरे की कविता पढ़ना चाहूँगा। कविता का नाम है एक कम। ये मैं इसलिए भी पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये रघुवीर सहाय की प्रिय कविता थी। कविता का नाम है एक कम। अंशु ने और सुरभि यहाँ बैठी हुई है, इन लोगों ने भिखारी और सड़क पे जो इस तरह के इंसिडेंट है, खाली खोखली आंखें या लाल सिग्नल, ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसमें सड़क पे एनकाउंटर को दिखाया गया है। तो ये गद्य यानी एक किस्सा, एक प्रसंग को विष्णु खरे साहब ने लिखा है, बहुत सिमिलर इंसिडेंट है। कविता का नाम है एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज,
लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते। तो रघुवीर साय की तरह विष्णु खरे भी एक पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता भी की, उन्होंने फिल्म समीक्षाएं भी लिखी, अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया था। 20 की उम्र में उन्होंने इलियट के वेस्टलैंड, जो इलियट का महानतम अजय काव्य है अंग्रेजी का, उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया था हिंदी में। तो बहुत ही विद्वान किस्म के व्यक्ति थे। वर्ल्ड सिनेमा का हिंदी में वो उन्होंने काफी पर काफी लिखा है, बहुत एक्टिवली लिखते रहे, ये उनका एक बहुत बड़ा काम था। गद्य कविता के कुछ और उदाहरण लेते हैं। इनकी कविता है अंतिम, जिसमें एक साधारण आदमी मरते हुए कौन कौन से दृश्य देखता है, बस उसी का जिक्र है, उसी का उल्लेख है। एक सीरीज ऑफ विजन्स है, एक मरता हुआ आदमी क्या क्या देख रहा है। तो गोदान में होरी की याद आ जाती है, होरी भी गोदान के अंत में ऐसे ही उनका एक किस्सा है। उसी तरह से विनाशग्रस्त इलाके से एक सीधी टीवी रपट, एक कविता है इनकी, जिसमें गुजरात में भूकंप के बाद, शायद गुजरात में, ये क्लियर नहीं है कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भूकंप के बाद जैसे एक टीवी का एक पत्रकार जैसे बोलता है, उसी शैली में एक पत्रकार के रिपोर्ट की तरह कविता लिखी गई है। या होनहार एक कविता है जिसमें एक पिटे हुए आदमी का वर्णन है जो हमेशा चुप रहता है, लेकिन मुसीबत ये कि वो हमेशा मुस्कुराता भी रहता है। अब वो पिटेगा नहीं तो क्या होगा, कोई समाज में चुप भी और मुस्कुरा भी रहा है, उससे खतरनाक आदमी कौन हो सकता है। एक और कविता है इनकी ना हन्यते, जिसमें एक दंगई का बयान है जिसने 47-48 के समय खूब खून खराबा किया, मुसलमानों को मारा काटा। अब वो 80 साल का हो चुका, पूजा पाठ करता है और इन सब के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस में एक पत्रकार को अपनी बात बता रहा है कि देखो अब तो हम ये सब बातें भूल गए थे लेकिन तुम्हें बता रहे हैं। तो एक बहुत ऐसे डार्क विषयों पे इन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो ये उनका एक बहुत बड़ा हासिल है। इनकी एक कविता और सुनाना चाहता हूँ, जिसका नाम है लालटेन जलाना। ये मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि लालटेन जलाने के मैनुअल की तरह लिखी गई कविता, लेकिन कितनी खूबसूरत है कविता, सुनिए। थोड़ी लंबी कविता है, इनकी कविता अमूमन थोड़ी लंबी होती है। लालटेन जलाना। लालटेन जलाना उतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना उसे समझ लिया गया है। अव्वल तो 3-4 संकरे कमरों वाले छोटे से मकान में भी कम से कम 3 लालटेनों की जरूरत पड़ती है, और रोज किसी को भी राजी करना मुश्किल है कि वह तीनों को तैयार करे, और एक ही आदमी से हर शाम यह काम करवा लेना तो असंभव है। घर में भले ही कोई औरत ना हो, सिर्फ एक बाप और 3 संतानें हो, तो भी न्यायोचित ढंग से बारी बारी तीनों से लालटेने जलवाना कठिन नहीं। यह जरूर है कि जब दिया बत्ती की बेला आए तो यह ना मालूम हो कि लालटेन पीपे या शीशी में तेल नहीं है, और शाम को 6:30 बजे निकलना पड़े मिट्टी के तेल के लिए, जो 2 तरह का आता था, घासलेट और सफेद। सस्ता और घटिया था घासलेट, वो सफेद से भी उठती है लेकिन निस्बतन खुशबू जैसी होती थी। महीने के आखिर में अगर घासलेट लाना ही पड़ता था तो उसे शीशी में नहीं, टीन के डिब्बे में लाया जाता था। उससे रोशनी ही नहीं, इज्जत भी खराब होती थी। पड़ोसियों से मिट्टी के तेल के उधार की पेचीदगियां बिल्कुल अलग विषय है, क्योंकि उसका सीधा संबंध लालटेन जलाने के हुनर से नहीं है। यह समझाना कठिन है कि आखिर कोई लालटेन अच्छी तरह क्यों जलाई जाए। वह अल्पायु में शुरू हुआ एक आजीवन खप भी हो सकता है, लेकिन लालटेन जलाने का लुत्फ मुख्यतः तेल से है, और उसमें उतनी ही केंद्रीय भूमिका अच्छी बत्ती और शायद उससे भी ज्यादा उमदा साफ किए गए कांच की है। भलाई इसी में है कि बत्ती से बेवजह छेड़छाड़ ना की जाए, बत्ती यानी उसका जो पलीता आ जाता है उसके अंदर। भलाई इसी में है कि बत्ती से बेवजह छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन अगर उस पर ज्यादा गुल जमा हो ही गया हो तो उसे उंगलियों से नोचना बेवकूफी होती है, क्योंकि उसके बाद जब उसे बाला जाएगा तो चारों तरफ से कुच्छल तारों जैसी दुमदार रोशनी निकलेगी, और कांच बच भी गया तो काला तो हो ही जाएगा। कैंची से काटने में भी रेशे निकल आते हैं या टेढ़ी मेढ़ी कटती है, उसे ब्लेड जैसी किसी चीज से काटा जाना चाहिए, वह भी एहतियात से, लेकिन यह भी तभी मुश्किल मुमकिन है जबकि वह काफी लंबी हो।
एन मौके पर यह पता लगना कि बत्ती छोटी है, लालटेन की कुप्पी को मिट्टी के तेल से बिला वजह लबालब भरने पर मजबूर करता है, और तब भी वह 9:30 बजे तक दम तोड़ देते हैं। बत्ती ठीक करना और तेल भरना रोज के काम नहीं है, लेकिन जो काम सबसे ज्यादा सलीके, मेहनत और निगाह की मांग करता है वह है शीशे को साफ करना। अव्वल तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि कब्जे से निकालते वक्त उसे गलत तरफ से तिरछा ना कर दिया जाए कि वह टूट जाए। फिर यह कि शीशा सिर्फ बढ़िया राख से ही चमक सकता है, यानी या तो अच्छी जलाऊ लकड़ी की राख हो या फिर सख्त कंडे की। उसमें यदि रेत या कंकड़ हुए तो शीशा खुरच जाएगा, दांतों में तकलीफ देह किरकिराहट होगी, सो अलग। शीशे के अंदर लगे धुएं से खेल भी किए जा सकते हैं, मसलन उंगली से कोई तस्वीर बनाई जा सकती है, आपका नाम लिखा जा सकता है, या फलां गधा है वगैरह। लेकिन ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक आते आते सारी कालौंच मिटानी पड़ती है, और अंदर से ही नहीं बाहर से भी कांच को साफ करना पड़ता है। साफ कांच खिलता ही दोबारा राख के मांजने से है। आह, कितना ऐंद्रिक है लालटेन के शीशे को धीरे धीरे निखारना। फिर चाहो तो उसे किसी पुरानी साड़ी के टुकड़े से और चमका दो, तब तो उस पर सांस की नमी या उंगलियों की छाप भी अखरने लगती है। शीशे को उसके कब्जे में फिर बैठाना, ऊपर से लालटेन के कुंदे में अंगूठा डालकर ढक्कन उठाना और कांच को उसके नीचे बैठाना भी सावधानी के काम है, क्योंकि गलत ढंग से अंगूठा छोड़ने से शीशा फंस या टूट सकता है। लेकिन इसके पहले यह भी देख लेना होगा कि लालटेन की अंदरूनी गुंबद पर महीन धुआं इतना ना जम गया हो कि कुंदा छोड़ते ही बत्ती पर बेआवाज आ गिरे। वह इतने चुपचाप जमता है कि किसी को उसकी याद ही नहीं रहती। यह सब उस वक्त जबकि शीशा चटका या फूटा हुआ ना हो और उमदा हो, क्योंकि अक्सर लालटेन के कांच सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें महीन बुलबुले होते हैं या मोटाई बराबर नहीं होती या अपने आप में जर्द होते हैं। और सिर्फ महंगा कांच ही अच्छा नहीं होता, उसे परखने के लिए सीधी उंगलियां, कान और तजुर्बा चाहिए, जो एक अरसे तक लालटेन जलाने के बाद ही आते हैं। बेहतर यही है कि कांच बैठलाने से पहले ही बत्ती थोड़ी सी जला ली जाए और फिर लालटेन कसी जाए। उसके बाद धीरे धीरे लौ को बढ़ाइए, देखिए रोशनी कमरे में कहां तक फैल जाएगी। अपने पीछे आपकी छाया की विशाल उपस्थिति है, उजाले में सब कुछ उभर आया है, उंगलियों पर केरासीन और राख की जो मिली जुली कसैली बू है वह एक स्थिर स्निग्ध जलती हुई बत्ती की सुगंध में खो रही है। लालटेन जलाने की प्रक्रिया में लालटेन बुझाना या कम करना भी शामिल है। जब तक विवशता नहीं ना हो तब तक रोशनी बुझाना ठीक नहीं, लेकिन सोने से पहले बाती कम करनी पड़ती है। कुछ लोग उसे इतनी कम कर देते हैं कि वह बुझ ही जाती है, या उसे एकदम हल्की नीली लौ तक ले जाते हैं जिसका एक तरह का सौंदर्य निर्विवाद है, लेकिन लालटेन के हिलने से या हवा के हल्के झोंके से भी उसके बुझने का जोखिम है। लिहाजा अच्छे चलाने वाले लालटेन को अपनी पहुंच के पास लेकिन वहां रखते हैं जहां वह किसी से गिर या बुझ ना जाए, और बाती को वहीं तक नीची करते हैं जब तक उसकी लौ सुबह उगते सूरज की तरह लाल और सुखद ना दिखे। तो लालटेन जलाने का एक मैनुअल कविता के फॉर्म में लिखना, ये गद्य कविता है। ऐसी ऐसी चीजों पे, मतलब ये तो खैर इनकी प्रतिनिधि कविता है, इनका एक एक संग्रह पढ़ते हुए इतना मजा आता है। गद्य के फॉर्मेट में ऐसी ऐसी बातें ये कह जाते हैं, कविता बोलते बोलते अचानक बोलेंगे ऊपर जो मैंने बात कही, एसे के स्टाइल में ऊपर जो मैंने बात कही है उसका ये मतलब है, अचानक मतलब गद्य स्टाइल में कविता बोलने लगते हैं। अब इन्होंने 40 से अधिक विदेश यात्राएं की, साहित्यिक शैक्षणिक कविता पढ़ाते रहे, साहित्य पढ़ाते रहे, पत्रकारिता में, और बेबाक थे। इनकी जो पंक्ति है, बोलो तो ये समस्या है, ना बोलो तो ये समस्या है, तो ये बोलने में विश्वास करते थे, चुप नहीं रहते थे, और साहित्य के बड़े बड़े विवादों के केंद्र में रहे। लेकिन इनकी बेबाकी और इनकी इनकी जो ऑनेस्टी थी बोलने में, उसकी हिंदी साहित्य जगत कायल रही। जितने साल ये बोलते रहे, जितने साल ये अपने बिल्कुल साहस के साथ, लोग इनके इनके साथ रहे। एक और कविता इनकी पढ़ना चाहता हूँ। इस कविता का नाम है लड़कियों के बाप।
ये कविता मुझे पर्सनली इनकी सबसे प्रिय कविता लगती है, मतलब मेरी प्रिय कविता है इनकी कविताओं में। लड़कियों के बाप, वे अक्सर वक्त के कुछ बाद पहुंचते हैं, हड़बड़ाए हुए बदहवास पसीने पसीने साइकिल या रिक्शों में, अपनी बेटियों और उनके टाइपराइटरों के साथ। करीब करीब गिरते हुए उतरते हुए जो साइकिल से आते हैं वे गेट से बहुत पहले ही पैदल आते हैं। उनकी उम्र 55 से 60 के बीच, उनकी लड़कियों की उम्र 18 से 25 के बीच, और टाइपराइटरों की उम्र उनके लिए दिए गए किरायों के अनुपात। क्लर्क टाइपिस्ट की जगह के लिए टेस्ट और इंटरव्यू है। सादा घरेलू और बेकार लड़कियों के बाप अपनी बच्चियों और टाइपराइटरों के साथ पहुंच रहे हैं। लड़कियां जो हर इम्तिहान में किसी तरह पास हो पाई हैं, दुबली पतली बड़ी मुश्किल से कोई जवाब दे पाने वाली, अंग्रेजी को अपने अपने ढंग से गलत बोलने वाली, किसी के भी चेहरे पर सुख नहीं, हर एक के सीने सपाट, कपड़ों पर दाम और फैशन की चमक नहीं, धूल से सने दुबले चिड़ियों जैसे सांवले पंजों पर पुरानी चप्पलें। इम्तिहान की जगह तक टाइपराइटर मैली चादरों में बंधे उठाकर ले जाते हैं बाप। लड़कियां अगर दबे स्वर में मदद करने को कहती भी हैं, तो आज के विशेष दिन और मौके पर उपयुक्त प्रेम भरी झिड़की से मना कर देते हैं। 11 किलो वजन दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हुए हाफते हुए इम्तिहान के हॉल में वे ज्यादा रुकना चाहते हैं, घबराना नहीं वगैरह कहते हुए, लेकिन किसी भी जानकारी के लिए चौकन्ने, जब तक कि कोई चपरासी या बाबू तंग आकर उन्हें झिड़के और बाहर न निकाले। इस पर भी वे उसे बार बार हाथ जोड़ते हुए बाहर आते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हुए कि डिक्टेशन कौन देगा, कौन जांचेगा पर्चों को, फिर कौन बैठेगा इंटरव्यू में, बड़े बाबुओं और अफसरों के पूरे नाम और पते पूछते हुए। कौन जानता है कोई बिरादरी का निकल आए, या दूर की ही जान पहचान का, या अपने शहर या मोहल्ले का, उन्हें मालूम है ये चीजें कैसे होती हैं। मुमकिन है कि वे चाय पीने जाते हुए मुलाजिमों के साथ हो लें, पैसे चुकाने का मौका ढूंढते हुए, अपनी बच्ची के लिए चाय और कोई खाने की चीज की तलाश के बहाने उनके आधे अश्लील इशारों सुझावों और मजाकों को सुना अनसुना करते हुए नासमझ दोस्तानों में हंसते हुए इस या उस दफ्तर में लगे हुए मुल्क के बाहर बसे हुए अपने बड़े रिश्तेदारों का जिक्र करते हैं। वे हर अंदर जाने वाली लड़की से वादा लेंगे कि वह लौटकर अपनी सब बहनों को बताएगी कि क्या पूछते हैं, और उसके बाहर आने पर उसे घेर लेंगे और उसकी उदासी से थोड़े खुश और थोड़े दुखी होकर उसे ढाढ़स बंधाएंगे। अपनी अपनी चुप्पी और पसीने पसीने निकलती लड़की को उसकी अस्थायी सहेलियों और उनके पिताओं के सवालों के बाद कुछ दूर ले जाकर तसल्ली देंगे, तू फिकर मत कर बेटा, बहुत मेहनत की है तूने इस बार, भगवान करेगा तो तेरा ही हो जाएगा वगैरह कहते हुए, और लड़कियां सिर नीचा किए हुए उनसे कहती हुई पापा अब चलो। लेकिन आखिरी लड़की के निकल आने तक और उसके बाद भी, जब इंटरव्यू लेने वाले अफसर अंग्रेजी में मजाक करते हुए बाथरूम से लौट कर अपने अपने कमरों में जा चुके होते हैं, तब तक वे खड़े रहते हैं। जैसे भी होगा रिजल्ट बाद में घर भिजवा दिया जाएगा, बता दिए जाने के बावजूद किसी ऐसे आदमी की उम्मीद करते हुए जो सिर्फ एक इशारा ही दे दे। ऑफिस फिर ऑफिस की तरह काम करने लगता है, फिर भी यकीन ना करते हुए मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए वे उतरते हैं भारी टाइपराइटर और मन के साथ। जो आए थे रिक्शों पर वे जाते हैं दूर तक फिर से रिक्शे की तलाश में। बीच बीच में चादर में बंधे टाइपराइटर को फुटपाथ पर रखकर सुस्ताते हुए देवड़ा किराया मांगते हुए रिक्शे वाले और जमाने के अंधेर पर बड़बड़ाते हुए फिर अपनी लड़की का मुंह देख चुप होते हैं। जिनकी साइकिलें दफ्तर के स्टैंड पर हैं, वे बांधते हैं टाइपराइटर को करियर पर। स्टैंड वाला देर तक देखता रहता है नीची निगाह वाली लड़की को, जो पिता के साथ ठंडे पानी की मशीन वाले से 5 पैसा गिलास पानी पीती है और इमारत के अहाते से बाहर बैठती है साइकिल पर। सामने दूर से वह अपने बाप की गोद में बैठी जाती हुई लगती। तो जिस
जमाने में कविता लिखी गई थी, उस समय का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उस वक्त एक 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 साधारण घर के की लड़की को नौकरी मिलना कितना मुश्किल था, इसके लिए उसका उसका बाप कितना संघर्ष करता था, और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, इसमें कोई फ्लारी लैंग्वेज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको जो, लेकिन मतलब इसे आप गद्य नहीं कह पाएंगे, ये कविता है लेकिन गद्य की शैली में लिखी गई है। ये एक बहुत उम्दा किस्म की कविता जो चल पड़ी थी, जो इसके विष्णु खरे बहुत बड़े कवि हैं। और कहने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। 19 सितंबर को उनका निधन हो गया, जिसने पूरे हिंदी साहित्य संसार को एक तरह के बहुत बड़े, एक इतना बड़ा खालीपन छोड़ गए हैं वो, जिसे भरना शायद बहुत सालों तक मुश्किल होगा। और जैसा कि मंगलेश जी ने कहा कि हिंदी कविता के बहुत बड़े प्रस्थान बिंदु हैं ये, इन्होंने आगे की कविता को बहुत डिफाइन किया है, जो आगे तक हमारे इराम में और हमारे बाद के इराम में अनफोल्ड होगा, दिखाई देगा कि विष्णु खरे और उनसे पहले रघुवीर सहाय का क्या प्रभाव है हमारे समय की कविता पर। खत्म करने से पहले मैं बस एक आखिरी कविता पढ़ना चाहता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि ये कविता मेरी समझ से उनको दी जाने वाली सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। कविता का नाम है कोशिश। शाम को खुश लौटती हुई चिड़ियों से मैं पूछना चाहता हूं एक अशुभ सवाल, कि आखिर वे मरने के लिए कहां जाती हैं, लेकिन वे मेरी तरफ उसी तरह देखती या ना देखती हुई गुजर जाती हैं, जिस तरह पार्क की ठंडी बेंच पर बैठे हुए खाली निगाह वाले बूढ़े के पास से स्कूल से लौटती हुई लड़कियां चली जाती। चिड़ियों की मृत्यु मेरे लिए एक रहस्य है, और यहाँ मेरा अर्थ पिंजरों में लटकाए गए पक्षियों की मौत से नहीं है, जिनके पंजों से तीलियों को छुड़ाना कठिन हो जाता है, और अचानक उड़ान में बिजली के तारों या मोटर के पहियों में फंस गए कौओं के शरीर से भी मैं उसे समझने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आदमियों और आदमियों की चीजों के संपर्क से आई हुई चिड़ियों की मृत्यु मेरा विषय नहीं। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ चिड़ियों को उस क्षण में जब वह आखिरी उड़ान के पहले अपने आप निश्चित करती है कि यह उसकी आखिरी उड़ान है, और बिल्कुल पहले ही की तरह उड़ जाती है घड़ियों और नक्शों के बाहर, उस जगह के लिए जहां एक असंभव वृक्ष पर बैठकर चुप होते हुए उसे एक अदृश्य चिड़िया बन जाना है। देखना ही चाहता हूं, क्योंकि मैं ना चिड़ियों का संकल्प पा सकता हूं और ना उड़ान, मैं सिर्फ अपनी मृत्यु में उनकी कोशिश करना चाहता हूँ।